मैं आज भी बोलता हूं बीजेपी को ठीक कह और रहे पीएम हैं, को, ये अगर बड़ी पते हिम्मत की है तो बात आप एक दो मैंने हजार बोली का है। नोट आज रात को या हाँ, कभी भी रात को एक 8 बजे बड़ी बंद बड़ी पते की करके बात बोली दिखाइए है। आप। गुलेश जी आपको जवाब देना चाहिए। एक का कहना यह है, एक सबसे का कहना बड़ा यह रीजन है, यही रहा एक ने एक राजीव बड़ी बड़ा लॉजिकल पॉइंट रखा कि है। लोगों का एक का कहना यह है, एक सबसे का कहना बड़ा यह रीजन है, यही रहा एक ने एक राजीव बड़ी बड़ा लॉजिकल पॉइंट रखा कि है लोगों का कि जो फेथ भी, खत्म हो गया, हाँ, अब पता इकोनॉमी नहीं को क्या लेकर होगा, के, अब पता नहीं इकोनॉमी क्या को लेकर होगा, के, ठीक कह रहे हैं, तो रुक क्या लूं। इकोनॉमी इकोनॉमी को लेकर के और फाइनेंस को लेकर के जो भी डिसीजन लिए गए उनमें आशंकाएं बहुत थी। आप अभी देखिए, एक एक एग्जांपल लीजिए, डिजिटल डिजिटल आप बोल रहे हैं, 120 करोड़ की जनता को डिजिटलाइज्ड, आप यहां पे सिग्नल नहीं आ रहा है सर। डिजिटल होने के लिए पहले आप सिग्नल तो गांव गांव पहुंचाइए। मेरे में आ रहा है, मेरे में आ रहा है, आप आरएसएस से, मेरे में आ रहा है, मेरे में आ रहा आप आरएसएस से हैं इसलिए आ रहा है सर, विशेष सर, सुविधा आपको मिली है, वैसे भी आप दिल्ली सुविधाएं के एक पास मिली बैठे हुए होती है, हैं, नहीं आप नहीं नोएडा में आप बैठे हुए आरएसएस के हैं, हैं, सुविधाएं जो एक के आरएसएस लिए और होती हैं, बीजेपी के हैं उनको सुविधाएं हर विशेष चीज मिल वर्ग के रही लिए है नहीं होती, एक सर, भी जो सुविधाएं आरएसएस आपके और लिए नहीं बीजेपी है, के हैं सुविधाएं उनके मेरे पास लिए भी सिग्नल भी आ रहा है, हर चीज आ रहा है। मुझे अब सुन लीजिए, ये कोई लॉजिक नहीं था मैं तो दीपक जी जो अध्यक्ष भी आपने कहा बोला। बैठ नहीं निकल मैं रहा एक हूं। कॉमन बात बोल रहा हूं, मैं यही बोल दूं कि आप बीजेपी के हैं इसलिए आपके पास पैसा भी आ रहा है, सब तनख्वाह भी आ रही है, हर चीज आ रही है, तो कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, कोई भी पार्टी का मैं व्यक्तिगत दुश्मन नहीं हूं। एके मनमोहन सिंह ने कई बातें कही हैं, उनमें पांच उपाय उन्होंने सुझाए हैं। देखिए, मनमोहन सिंह को हम इसलिए दरकिनार नहीं कर सकते, 1991 वाले फेस से भी उभारने वाले देश के मनमोहन सिंह थे, 2008 की रिसेशन से भी निकालने वाले मनमोहन सिंह ही थे। मनमोहन सिंह ने कहा, जीएसटी को तर्कसंगत बनाइए, ग्रामीण खपत को और भी ज्यादा बढ़ाइए, किसानों को और भी बढ़ाइए, कर्ज की कमी को आप दूर कीजिए, कपड़ा, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी सेक्टर में जो 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 लोग नौकरी देते हैं इन्हें फिर से एक बार जिंदगी आप दीजिए, और जो ट्रेड वॉर चल रहा है इस ट्रेड वॉर को देखते हुए निर्यात बाजारों को पहचानना होगा भारत को, यह कहना है मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह ने जो भी ये पांच उपाय बताए हैं, क्या वाकई में कारगर हैं या सिर्फ जैसा कि अभी अनिल जैन जी कह रहे थे कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए एक हवा खड़ा किया गया है? देखिए, दो चीजें हैं राशिद, मैं आपको बताऊं। अपोजिशन जो है, कोई भी अगर दल आप देखेंगे तो राजनीति करना उनका धर्म है और मैं अलाउ करता हूं, वो हर मुद्दे को उसका राजनीतिक फायदा लेंगे, चाहे वो मंदी हो, नौकरी हो, कोई भी चीज हो, ये सारी पार्टियां करती हैं। हाँ, मनमोहन सिंह जी ने जो चीजें बोली हैं डेफिनेटली वो है, हेल्पफुल हो सकती हैं, लेकिन इकोनॉमिक ऐसा नहीं है कि ये केवल पांच चीजें कर देने से पूरी की पूरी इकोनॉमिक साइकिल जो है वो बूम कर जाएगी। और उसके रीजन है, मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी ने भी जब नोटबंदी और जीएसटी किया था तो ऐसे ही अनुमान जो है, प्रोजेक्शन जो है, जनता के सामने दिया था कि ये चीजें हो जाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रिजल्ट उतने अपेक्षित नहीं रहे हैं। मैं बोलता हूं, देखिए, सिर्फ एक चीज है, भारत की इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को आप समझिए। आपने जो किया, जैसे किया, अभी ये रिसेशन के दौर में नहीं पहुंचा है लेकिन उसका आगाज ये हो चुका है, और भारत जैसे बड़े इकोनॉमी में अगर अब आप करेक्टिव एक्शंस नहीं लेते हो, करेक्टिव एक्शन में केवल एक ही चीज लेनी है, बहुत ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है ना, वो जो कैश होता है या जो पैसा होता है, रुपया होता है, कितनी सुगमता से, कितनी तेजी से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, उससे होता क्या है, हर हाथ का, हर कंज्यूमर का जो बाइंग कैपेसिटी होती है, बाइंग पोटेंशियल पोटेंशियल जो है वो मजबूत होता है। जब पैसा पैसा एक जगह कभी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। देखिए, बैंक में अगर आप सारे पैसे इकट्ठे कर दीजिए, घर में कुछ ना रखिए, तो आपका घर और बिजनेस चलेगा। जो जो सबसे तेजी से ग्रोइंग इकोनॉमी होती है उसमें पैसा हमेशा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता है, इंप्लॉय से इंप्लॉयर, इंप्लॉयर से इंप्लॉय, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर, ये सब जाता रहता है। प्रोविजन जो इन्होंने किए हैं वो इतना हार्ड कर दिया, और इकोनॉमी को सुधारना कोई एक साल दो साल में, भारत 120 नहीं, आप करोड़ जब प्रोविजन की बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं आप? जीएसटी नोटबंदी का इशारा है आपका? मैं बिल्कुल जीएसटी और नोटबंदी की ही मैं बात कर रहा हूं। देखिए गुलेश शेख जी, एक चीज तो मानिए ना आप, मंदी है, एक ही मंदी का, एक है, एक है, अगर मंदी है तो इसका सबसे ज्यादा असर कौन से वर्ग पे है? सबसे देखिए, मंदी का सबसे ज्यादा असर और सबसे पहले जो निचला वर्ग होता है, आप मिडिल क्लास और उसके नीचे को देख लीजिए, होता ये है ना कि जब उत्पादकता घटती है, भाई कंपनियों को पैसा कौन लौटाता है, बायर कौन है,
सबसे ज्यादा बायर जो क्लास है, जो छोटी छोटी चीजों को खरीदता है, सबसे पहले असर उन्हीं के पास होता है, क्योंकि उनके पास रिजर्व नहीं होता है। एक दिन, दो दिन, एक महीने, दो महीने का रिजर्व होता है। एक छोटे मोटे नौकरी करने वाले को देखिए, उसके पास इतना पैसा रहता है कि एक महीने, दो महीने बिना नौकरी के वो चल सकता है। उसके बाद क्या होगा, इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा। जो बड़े लोग हैं उनके पास तो चाहे वो उधार में रहें, चाहे फैक्ट्री बंद हो, फिर भी इतने असेट्स और पैसे रहते हैं कि वो सर्वाइव कर जाते हैं। हर चीज का जो सबसे पहला इंपैक्ट, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, सबसे पहला असर किसको आएगा, कॉमन पब्लिक को आता है। जो पिरामिड में सबसे बॉटम पे होते हैं, पहला असर उन्हीं के ऊपर आता है, बाकी असर बाद में आता है, और बहुत देर में असर आता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं, काफी दिनों के बाद उनके ऊपर असर आता है, वो लास्ट होते हैं पिरामिड में, सबसे ऊपर होते हैं कंज्यूमर के पिरामिड में। तो सबसे पहले असर आप देखिए किन लोगों को, जो रिक्शे वाले थे अगर मान लीजिए 100 रुपए रोज कमाते थे, आज वो 50 रुपए रोज कमाएंगे। दुकान वाले, किराना वाले जो थे, जब नोटबंदी हुई थी तो वाकई में किराना वाले बोल रहे थे कि हमारी जो सेल है डेली की इतनी घट गई है, ये हो गई है, ये सब आप मार्केट में घूमिए आपको पता चलेगा। अच्छा जैन साहब जी, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया है, और या यूं कहें कि एक तरह से बेल आउट पैकेज के फॉर्म में अगर कोई बड़ा कदम उठाया गया है, तो वह बैंकों का मर्जर। 10 बैंकों के विलय से 4 बड़े बैंक बन जाएंगे, हालांकि अगले 1 साल में यह होगा, और कुल 12 अब सरकारी बैंक रह जाएंगे। क्या इससे वाकई में कोई फायदा होता है? और जैसा भाई साहब ने अभी कहा कि सबसे नीचे वाले तबके के ऊपर असर पड़ता है, और जैसा भाई साहब ने अभी कहा कि सबसे नीचे वाले तबके के ऊपर असर पड़ता है। ये एक अजीब तरीके का एक चेंज कैसे आ गया है संघ में? एक जमाने में ये कहा जाता था कि संघ को चमक दमक वाली अर्थव्यवस्था पसंद नहीं है, और इसी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 90 के दशक के अंत में इकोनॉमी को लेकर के बार बार संघ से यूं ऐसा हो जाया करता था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन आज की तारीख में वही चमक दमक वाली इकोनॉमी संघ को भी पसंद आने लगी है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एके, इसका जवाब आप एके, एके, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मुझे लगता है ना, संघ और बीजेपी में एक गैप हो गया। गैप ये हो गया ना, मिसकैलकुलेशन हो गया। मैं अगर ये मान लूं कि नोटबंदी में, जीएसटी में संघ के बुद्धिजीवी वर्ग, या जो चूंकि हर इनके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट भी संघ में और बीजेपी में है, इन्होंने जो कैलकुलेट किया, उस कैलकुलेशन में एक ही मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये थी ना, एक नेचुरल स्पीड होती है सिस्टम को एडॉप्ट करने की। आप अभी देखिए, एक एग्जांपल लीजिए, डिजिटल आप बोल रहे हैं, 120 करोड़ की जनता को डिजिटलाइज्ड, आप यहां पे सिग्नल नहीं आ रहा है सर। डिजिटल होने के लिए पहले आप सिग्नल तो गांव-गांव पहुंचाइए। मेरे में आ रहा है। आप आरएसएस से हैं इसलिए आ रहा है सर, विशेष सुविधा आपको मिली है। वैसे भी आप दिल्ली के पास बैठे हुए हैं, नहीं आप आरएसएस के हैं, जो आरएसएस और बीजेपी के हैं उनको हर चीज मिल रही है सर। जो आरएसएस और बीजेपी के हैं उनके पास सिग्नल भी आ रहा है, हर चीज आ रहा है। अब सुन लीजिए, ये कोई लॉजिक नहीं था दीपक जी जो आपने बोला। मैं एक कॉमन बात बोल रहा हूँ, मैं यही बोल दूं कि आप बीजेपी के हैं इसलिए आपके पास पैसा भी आ रहा है, सब तनख्वाह भी आ रही है, हर चीज आ रही है। तो कॉन्सेप्ट को समझिए, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी का मैं व्यक्तिगत दुश्मन नहीं हूँ। देखिए होता क्या है, नोटबंदी आपने एकाएक कर दिया, उसके बाद नोटबंदी में आप देखिए, आप रुपए को वापस बैंक में सप्लाई नहीं दे पाए। आपने बोला बैंक से जाके निकालिए, आपको बार बार जो है देना पड़ा कि अब ये 2 दिन के बाद होगा, अब 5 दिन और लगेगा। नोटबंदी के टाइम एटीएम को कैलिब्रेट करने में मुझे याद है जेटली जी ने बोला 1 हफ्ते में हो जाएगा, वो 2 महीने में भी नहीं हुआ। तो टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि तैयारी उनकी थी, उनकी तैयारी ये थी कि 2-3 महीने में ये कवर हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा डिसीजन लेना 2-3 महीने नहीं, मैं बोलता हूं कि 2-3 साल में स्टेप वाइज लेना चाहिए। सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ जानते हैं, इकोनॉमी क्यों डूबी, नोटबंदी वगैरह को छोड़ दीजिए, वो इसलिए हुआ क्योंकि जब आप ऐसे ऑल ऑफ सडन डिसीजन लेते हैं ना, लोगों के अंदर एक आशंका पैदा हो जाती है। बहुत दिनों तक तो इकोनॉमी ऐसे ही चलती रही कि पता नहीं 2000 का नोट कब बंद हो जाए। मैं आज भी बोलता हूं बीजेपी को और पीएम को, ये बड़ी पते की बात है कि 2000 का नोट आज रात को या कभी भी रात को 8 बजे बंद करके दिखाइए। गुलेश जी आपको जवाब देना चाहिए। मैं आज भी बोलता हूं बीजेपी को और पीएम को, ये बड़ी पते की बात है कि 2000 का नोट आज रात को या कभी भी रात को 8 बजे बंद करके दिखाइए। गुलेश जी आपको जवाब देना चाहिए।
एके का कहना यह है, एके का कहना यह है, एके ने एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट रखा है कि जो भी यहाँ इकोनॉमी को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के ठीक कह रहा है, इकोनॉमी इकोनॉमी को लेकर के और फाइनेंस को लेकर के जो भी डिसीजन लिए गए उनमें आशंकाएं बहुत थी। एके का कहना यह है, एके का कहना यह है, एके ने एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट रखा है कि जो भी यहाँ इकोनॉमी को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के ठीक कह रहा है, इकोनॉमी इकोनॉमी को लेकर के और फाइनेंस को लेकर के जो भी डिसीजन लिए गए उनमें आशंकाएं बहुत थी। अब देखिए, मैं नोटबंदी की बात तो एके ने कर दिया, लेकिन जीएसटी को लेकर के आप देखिए ना, बड़ा क्रांतिकारी रिफॉर्म की कहा गया, लेकिन न जाने कितनी बार उसमें परिवर्तन करना पड़ा और लोगों को आशंका के बादल आज भी घेरे हुए हैं। तो ये आपकी गुलरेज साहब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, ये अज्ञानता थी। चलिए अब गुलरेज जी जवाब दें, गुलरेज जी जवाब दें। तो ये आपकी गुलरेज साहब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, ये अज्ञानता थी। चलिए अब गुलरेज जी जवाब दें, गुलरेज जी जवाब दें। जैन साहब आ रहा हूं आपके पास, गुलरेज जी जवाब दें। जहां तक आप कह रहे हैं कि जीएसटी में बार बार परिवर्तन किए गए, ये तो यह सिद्ध करता है कि ये सरकार जो है गूंगी बहरी सरकार नहीं है। यह सरकार देखती है नहीं और होते जनता की डिमांड होती है, जनता की समस्या होती है, उस अनुरूप चेंज कर लेती है, चेंज करने की लची जनता की समस्या होती है, उस अनुरूप चेंज कर लेती है, चेंज करने की लचीली है सरकार। सरकार का रवैया साल भर में होता है, टैक्सेशन में व्यवस्था में चेंज साल में एक बार होता है हुआ है, लेकिन ये कष्ट जो था ना ये बहुत छोटा था। यदि इकोनॉमी क्रैश डाउन हो जाता, जो टेल स्पिन हो जाती है इकोनॉमी की, हम संभाल नहीं पाते उसको, क्योंकि जब हमको मालूम ही नहीं होता कि सिस्टम में है क्या, और भी तरीके से उसको मैनेज करने के, जो आपका भय है उस भय को मैनेज करने के इकोनॉमी के और भी तरीके से। मैं बोलता हूँ गुरेश साहब, अगर हमारे जो आईएएस ऑफिसर वगैरह हैं उन्हीं को अनुशासित कर दे तो हटाइए ना। अनिल जैन जी, मुझे आसान शब्दों में मैं फिर से वही बात कहूंगा। हाँ एक मिनट, नहीं होगी आपको ये नहीं। ओके गुलेल जी, राशिद भाई मैं एक आसान शब्द समझा रहा हूँ, मैं एक आसान शब्द में एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए आप ये बताइए, आज से कुछ वर्ष पहले तक स्थिति यह थी कि कोई भी आदमी एक प्लॉट खरीदता 10 लाख में, उसको दूसरे दिन जाके 12 लाख में बेच देता, उसकी कीमत रजिस्ट्री में दिखाता 5 लाख रुपए, बिल्कुल सारा पैसा एग्री करता हूँ, एग्री करता हूँ। संदीप जी के पास जाना चाहिए, एग्री करता हूँ। गुलेश जी ये बात ठीक कह रहे हैं, ये बात ठीक कह रहे हैं। संदीप जी आप लोगों ने इकोनॉमी का ऐसा बुलबुला बना दिया था ना, जिसका एक एग्जांपल दिया गुलेश जी ने, रियल स्टेट जैसे सेक्टर का एक ऐसा बुलबुला बना दिया था आप लोगों ने कि वर्चुअल दुनिया में तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन जब रियलिस्टिक फिगर हम देखते थे हकीकत की जमीन पर, जब हम आकर के आज देखते हैं तो ये लगता है कि बुलबुला फटा है, और जो आप लोगों के वक्त के हिमालयन ब्लंडर्स हैं, बड़ी बड़ी गलतियां हैं, उसी का खमियाजा मौजूदा सरकार भुगत रही है। वो तो जो ये इस सरकार का एक ध्येय है कि जो कुछ भी होता है वो पिछली सरकार, इनमें कमी नहीं है, पिछली सरकार में कमी है। हमने आपने बताया ना पहले ही अपनी बात में कि ये पहले मानेंगे ही नहीं। अभी आपके शेख जी ने, भाजपा के मेरे मित्र ने कहा कि यूए में वो थे और एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें अंतिम दिन में ये कहा गया कि जो है वैश्विक मंदी की वजह से खरीदारी नहीं हुई, लेकिन यूए की सरकार ने कम से कम माना तो उसके देश में मंदी है, हमारे देश में तो आज पहली बार नहीं, तो मान ही नहीं रहा है। इसका जवाब अनिल जैन जी शुरुआत में ही दे चुके हैं, इसका जवाब अनिल जैन जी शुरुआत में दे चुके हैं। सरकारी एजेंसीज ने ये माना है, सरकारी एजेंसीज की अगर रिपोर्ट आ रही है, अगर सरकारी एजेंसीज की रिपोर्ट्स आ रही हैं तो इसका मतलब यह है कि सरकार ने स्वीकार कर लिया। एक ही बस रुक जाए, अनिल जैन जी मौजूदा जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, इसे मंदी का नाम दे दें या जिस भी तरह का नाम दे दें, ये अगर खतरनाक रास्ते की तरफ जा रही है तो वो खतरनाक रास्ता देश को किधर लेकर के जा रहा है? आने वाले दिनों में सीधी सी बात यह है, मेरी थाली में रोटी होगी क्या? आने वाले दिनों में मेरे देश का जो किसान है वो पनप पाएगा क्या? आने वाले दिनों में रोजगार वापस से मिल पाएगा क्या? आने वाले दिनों में ऑटोमोबाइल सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर वापस से रिवाइव कर पाएगा क्या? देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है, जैसे अभी बात हो रही थी अनसर्टेनिटी की, अनसर्टेनिटी में क्या होता है, कोई भी व्यापारी या कोई भी इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता, व्यापार नहीं करना चाहता, और उसका नतीजा क्या हो रहा है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अभी हिंदुस्तान से ज्यादा लोग बाहर व्यापार करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के बाहर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ इस तरह की स्कीम्स बनाई हैं कि मैं बैंक में जाके चाहे जितनी फॉरेन एक्सचेंज ले सकता हूं, ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए, दुबई में काम करने के लिए, दुबई में मकान खरीदने के लिए, दुबई में ऑफिस खरीदने के लिए लिबरलाइज स्कीम्स हैं। इसी तरह से कंपनीज अपनी कैपिटल का 4 गुना फॉरेन एक्सचेंज लेके हांगकांग में कंपनियां खरीद सकती हैं,
हो क्या रहा है कि यहां की अनसर्टेनिटी की वजह से ज्यादा हिंदुस्तान का जो पैसा है वो बाहर जा रहा है, बाहर लोग उद्योग लगा रहे हैं, माइंस खरीद रहे हैं। आपने देखा होगा इवन अदानी ने कितना पैसा अरबों अरबों रुपया ऑस्ट्रेलिया में लगा रखा है, हिंदुस्तान में क्यों नहीं लगाया 4 साल में? अंबानी क्यों पैसा बाहर लगा रहे हैं? इसी तरह से आज दुबई की जो प्रॉपर्टीज बिक रही हैं, वहां 50% प्रॉपर्टीज इंडिया के लोग खरीद रहे हैं। वो क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको परमिट कर रही है। इस सेक्टर को नहीं देखा है कि हमारी इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी क्वांटिटी में जो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रही है, और वो लीगल तरीके से जा रही है, वो इलीगल तरीके से बिल्कुल नहीं जा रही है। एक आदमी हर साल $2.5 लाख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले सकता है, और उससे बाहर चाहे वो गिफ्ट दे, चाहे प्रॉपर्टी खरीदे, चाहे शेयर खरीदे। तो नेचुरली जब अनसर्टेनिटी होगी, आदमी थोड़ा भी पढ़ा लिखा होगा या उसके कुछ लोग बाहर होंगे, दीपक जी, तो वो पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है दीपक जी, दो चीजें हैं। क्या संघ की भी ये सोच है कि अंबानी अडानी जो है हिंदुस्तान में पैसा लगाएं बजाय इसके कि बाहर कहीं लगाएं? ये तो एक बात हो गई। पॉलिटिकली एक बात और पूछना चाहूंगा, क्योंकि संघ की तरफ से बीजेपी के लिए चुनावी स्ट्रैटेजी भी तैयार होती है, भले ही पर्दे के पीछे से तैयार हो लेकिन होती है। जमीन पर जाकर के संघ वाले काम करते हैं और मजबूत काम करते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में, चूंकि स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब जमीन पर जाएंगे आप सभी लोग, तो इस मंदी का जवाब हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में क्या देंगे आप लोग? देखिए, संघ कभी किसी के लिए कोई राजनीतिक स्ट्रेटजी नहीं बनाता। यदि संघ का स्वयं से वाली स्ट्रेटजी किसने बनाई थी फिर? यदि यदि पन्ना प्रमुख वाली स्ट्रेटजी किसकी थी दीपक? यदि यदि संघ का स्वयंसेवक, क्योंकि संघ एक सामाजिक संगठन है, समरसता का भाव रखने वाला है, एकत्रीकरण का भाव रखने वाला है, यदि स्वयंसेवक कहीं जाना चाहता है, यदि स्वयंसेवक कहीं जाना चाहता है तो वो उसके लिए खुला हुआ माहौल है, वो कहीं भी जा सकता है, किसी के लिए प्रचार कर सकता है, उसके लिए संघ कोई रोक टोक नहीं लगाता, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं एक आम नागरिक होने के नाते से आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं राशिद जी, मैं नोएडा से आता हूं और कल जैसा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने बताया कि मेट्रो सिटी में 4.60 लाख जो घर हैं वो बिकने के लिए खाली पड़े हुए। हमारे बीएसपी के एकदम ठीक उम्र में बड़े हैं और आदरणीय बैठे हुए हैं। मैं एक बात, आरपीएम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात, 2007 से लेकर के 2012 तक इस देश में जो ये सरकार रही, पूरा यमुना एक्सप्रेसवे बना दिया, उसको जमीन बेच दी गई, पूरा ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन, मैं प्रॉपर नोएडा, क्योंकि इस शहर में हम बैठे हुए हैं और इस शहर में मैं पैदा होकर पल बढ़ के बड़ा हुआ हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस शहर की बात करता हूं। और आपके चैनल से माध्यम से ये पूछना चाहता हूं बसपा के प्रवक्ता जी से कि ऐसा ये इन्फ्लेशन का कारण नहीं है क्या? वास्तविकता में यहां इतनी सप्लाई की आवश्यकता थी क्या? इतनी डिमांड थी यहां जितनी सप्लाई में? ये सवाल आपका बीएसपी से है या कांग्रेस से है? बीएसपी से भी है। और चूंकि उस वक्त राजा रामजी शादाब को ये जवाब देना चाहिए, सरकार थी तो मैं उनसे भी ये प्रश्न, राजा रामजी शादाब को जवाब देना चाहिए। राजा राम जी, आप लोगों ने आज की तारीख में तो नोएडा एक्सटेंशन कहने में भी लोग पाप समझते हैं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट बोलते हैं। ठीक कह रहे हैं दीपक जी, एकदम ठीक कह रहे हैं। सुनिए राजा राम जी, सुनिए राजा राम जी, मेरी बात सुनिए, एकदम ठीक तो कह रहे हैं। हाँ, एक मिनट रुक जाए गुलेर जी, एक मिनट रुक जाए, राजा राम जी को जवाब देने दें। ये नोएडा एक्सटेंशन आज की तारीख में कहना भी पाप हो गया, आप लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट कहा करते हैं। ठीक कह रहे हैं, यमुना एक्सप्रेस वे पर इतनी ज्यादा सप्लाई करने की जरूरत थी क्या? इस तरह का बुलबुला तो आप ही लोगों ने खुला दिया ना। मैं नोएडा में ही रहता हूँ अभी भी, नोएडा के लोगों शादेरी वगैरह भी आप ही लोग की देन है। नोएडा के लोगों से आप बात करिए तो जो उस समय नोएडा का विकास, नोएडा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नोएडा की छवि बनी थी, लोगों का ये कहना है कि जो उस समय हुआ था आज भी उतना ही है, एक ईंट नहीं रखी गई। जो नोएडा का विकास, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय उस पे पटल पे आया था, नोएडा का चाहे यहाँ आईटी इंडस्ट्री हो बाद में या जो भी है, देखे जब सुनियोजित विकास में बाधा उत्पन्न होती है, आप विकास जब कहते उसको हैं, गलत आप विकास कहते हैं, बीजेपी उसे के लिए छोड़ी ही नहीं है। आप विकास कहते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा तक आपने कोई जमीन छोड़ी नहीं है देने के लिए। ऐसा कहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, कहाँ कमर्शियलाइजेशन होगा, कहाँ कॉर्पोरेट आएगा, कहाँ आईटी आएगा, आप मुझे बताइए। प्रैक्टिकल आंकड़ों पर बात कीजिए राजा राम जी, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं। नहीं देखिए, ऐसा आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी अगली पीढ़ी हूँ। नहीं, जब विकास की योजनाएं बनती हैं
तो और जमीन एक्वायर करना, अभी आप एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं उसमें और जमीन एक्वायर करने जा रहे हैं, जमीन तो है, आप भी और योजनाएं बनाइए, जमीन एक्वायर कीजिए, आवंटित करिए लोगों को। गुल्लेश जी, ये गुल्लेश जी चूंकि मैं डिबेट के बिल्कुल अंतिम पार्ट में हूँ, गुल्लेश जी चूंकि डिबेट के बिल्कुल अंतिम पार्ट में हूँ, ऐसे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनेगी? नहीं बनेगी, वो कैसे बनेगी बता रहा हूँ आपको कि ये जो साइकिल है ना, ये ज्यादा से ज्यादा 8 महीने 9 महीने तक रहेगी, उसके बाद ये साइकिल टूट जाती है। और जो ये अभी ये जीडीपी का आंकड़ा भी आया, ये तो Q1 का है, अभी तो Q4 तक का हमारे पास समय है, तो इतना बड़ा विषय अनिल जैन जी, क्या 6 से 9 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, दूसरे क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में सब ठीक हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि ये हालात 6 महीने में ठीक होंगे, तो साइकल है, पर उम्मीद है कि अगर गवर्नमेंट थोड़े आउट ऑफ बॉक्स सोचे और थोड़ा लिबरल हो जाए। आउट ऑफ बॉक्स और लिबरल सोच क्या? और लिबरल सोच के साथ थोड़ा मेगा सोच चाहिए, छोटी छोटी सोच से नहीं ठीक होगा। मेगा सोच क्या होनी चाहिए? मेगा सोच ये होनी चाहिए कि जीएसटी जो आपने लेके आए हैं, आप छोटे वाले तबके को जीएसटी से बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए, 1 करोड़ और 5 करोड़ की लिमिट कर दीजिए गुड्स के ऊपर, 5 करोड़ और सर्विस के ऊपर नहीं, बिल्कुल नहीं खड़ी होगी। ये सोच आपकी गलत है कि पैरल जो छोटे लोग हैं वो कहां से चार्टर्ड अकाउंटेंट रखेंगे, कहां से अकाउंटेंट रखेंगे? उनको आप कहेंगे कि साल के अगर 15 फॉर्म भरने, 20 फॉर्म भरने, वो बेचारा कहां से करेगा? और उनके बगैर सपोर्ट के बड़ी इकोनॉमी नहीं चल सकती। हर बड़ी इकोनॉमी के पीछे नीचे छोटे छोटे लोग होते हैं और वो सिस्टमेटिकली काम करते हैं। अगर वो नीचे के लोग काम करना बंद कर देंगे तो बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं सर्वाइव कर सकती, और वहीं पे कंजम्पशन होता है छोटे लोगों का। आपने छोटे लोगों का कंजम्पशन बंद कर दिया, उनका काम बंद कर दिया। और छोटा सा एग्जाम्पल मैंने पिछली बार भी दिया था, आनंद पर्वत का, दिल्ली के अंदर आनंद पर्वत है, 30,000 इंडस्ट्री थी, 30,000 की जगह 3,000 रह गई है, 27,000 इंडस्ट्री वहां की छोटी छोटी गैरेज जैसी जगह में वो चला करती थी, वो बंद हो गई। आप सोचिए जो 27,000 इंडस्ट्री, सब कुछ वैसा ही है जैसा कि 2008 में था? थोड़े दिन के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा? नहीं, मुझे ये नहीं लगता है कि थोड़े दिन के बाद, आप बोल रहे हैं तो मैं वेट कर लूंगा क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पे देखिए चेंज जीएसटी वगैरह इन कानूनों के चेंज की दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे ये हुई है कि बीजेपी ने इकोनॉमी के पूरे मूड को एक फेज से उठा के जी क्या दिखा रहे हैं दूसरे फेज में गुल्लेश जी रख दिया। कुछ दिखा रहे हैं गुल्लेश जी, कुछ दिखा रहे हैं। अभी मैं आपको ये चित्र दिखा रहा हूँ इंदौर के अस्पताल में, जो सबसे बड़ा अस्पताल है मध्य भारत का पूरे, उस पर इस तरह से पानी भरा हुआ है और मरीज ऐसे पड़े हैं। जरा अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता पर के पास जाए तो उनसे जरा इसके बारे में पूछ लेना, क्योंकि सरकार इनकी है मध्य प्रदेश में। हालांकि आप बिल्कुल अलग ट्रैक पर लेकर के चले गए कि अपनी बात पूरी कर लें। देखिए जीएसटी चेंज ऑन से, देखिए वैट भी चेंज हुआ था, परसेंटेज बढ़ने घटने से उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है। बेसिकली हुआ क्या है, सिद्धांत के रूप में अगर देखें, इकोनॉमी का अपना एक मिजाज होता है, एक फेज होता है, एक मूड होता है। बीजेपी ने अपने इन सारे नियमों से इकोनॉमी के पूरे इकोनॉमिकल जो मूड होता है ना, वो जिस हिसाब से एक्शन करती है, उठा के दूसरे उसके मूड को ही बदल दिया। अब देखिए एक करेंसी को हटा के डिजिटल कर देना, यानी पेमेंट के मूड को ही आपने बदल दिया। और 120-130 करोड़ जहां जनता है ना, इतने साहब, एक मोबाइल आया था पूरे देश में, मोबाइल फैलने में, हाथ हाथ में मोबाइल आने में 20 साल लग गए। अनिल जैन जी, क्या एक ही कहना चाहते हैं कि कैशलेस होने चले थे, लेस कैश हो गए? कुछ हद तक तो बिल्कुल सही कहा है कि कैशलेस होने की बात थी, और अगर इस तरह से कैश खत्म कर दिया जाएगा तो सिस्टम कैसे चलेगा? अमेरिका की इकोनॉमी में भी कैश चलता है, वहां पे पूरी इकोनॉमी क्रेडिट बेस्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड बेस्ड नहीं है, और वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी कैशलेस नहीं हुई है। आप जापान चले जाइए, क्या वहां पे करेंसी नहीं चलती है? बिल्कुल चलती है, हर चीज में चलती है। आप बैंक में चाहे जितना भी रुपया जाके जमा कर दो। अंत में आप एक बार रिस्पॉन्ड कर सकते हैं बहुत जल्दी। देखिए, देखिए मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से यह कह रहा हूं कि इन सब बातों पर इतना घबराहट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? सारी चीजें, भारत की अर्थव्यवस्था सरकार के कंट्रोल में है, 6 महीने का एक स्लो डाउन है, मंदी नहीं है।